नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय के अध्याय 11 चर संख्या, इस पर चर्चा करने के लिए इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हैं। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से इस कोरोना काल में जो हम संकट से गुजर रहे हैं, परंतु इस काल में भी आपके अध्ययन को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद रायपुर SCERT की ओर से प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं प्रत्येक विषय की संचालित की जाती हैं। बच्चों, आप सभी इन ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिदिन आप उपस्थित होकर अपने अध्ययन को जारी रखें। तो बच्चों, आइए हम आज अपने इस विषय के अध्याय 11 चर संख्या का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, संख्या शब्द से आप सभी परिचित हैं। संख्या, तो जैसा कि आप कक्षा छठवीं के इस प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं ये संख्या या एक प्रतीक चिन्ह है, जब हम गणना करते हैं तो उसे अंकों के द्वारा या संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, यह हमारा नया अध्याय है जिसे हम चर संख्या नाम है। तो यह चर, वास्तव में यह चर क्या होता है? तो बच्चों, आइए हम अब इस चर संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने चारों ओर कई चीजों को देखते हैं। बच्चों, आपने कुर्सी देखी है, टेबल देखा है, अपनी ही कक्षा में दीवार देखी है। तो आप यदि कुछ समय के बाद भी इन वस्तुओं को पुनः देखते हैं तो आप पाते हैं बच्चों कि इनका भार या इनकी जो जगह है, जैसे दीवार, दीवार स्वयं हो करके अपना स्थान नहीं बदल पाती। कुर्सी का स्थान बदल सकता है, लेकिन कुर्सी का भार वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे ही जो संख्याएं हैं या ऐसी जो राशियां हैं जिनका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, इन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों, ये चर क्या है और अचर क्या है? तो अचर का अर्थ तो आपने देखा कि जो निश्चित रहता है, जिसका मान निश्चित होता है, ऐसी राशियों को हम अचर राशियां कहते हैं। परंतु चर राशियां क्या हैं? तो बच्चों, चर राशि का एक उदाहरण है, आपने अपनी शालाओं में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया है। तो बच्चों, आप जिस बीज को लगाते हैं और प्रतिदिन उसका ध्यान रखने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी का ध्यान देते हैं, उस पेड़ पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान देते हैं, तो बच्चों देखते हैं आप कि प्रतिदिन उस बीज से जब आप उसका जतन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें से पौधा आता है, और रोज जो हमारे पौधे की ऊंचाई होती है वह आप देखेंगे कि परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी कुछ राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। ऐसे ही आप देख पाएंगे बच्चों, आपके कक्षा की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो तो निश्चित है, परंतु आपने देखा होगा कि बारिश के समय में यदि आप किसी कुएं में जल का स्तर देखते हैं और उस जल स्तर को आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो उसमें भी आप परिवर्तन पाते हैं,
कि जल का स्तर कुछ बढ़ा हुआ हो सकता है। तो यही जो परिवर्तन है और जो परिवर्तित हो सकने वाली राशियां होती हैं उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। बच्चों, इसको जानने के लिए मैं आपको एक और सरल सा उदाहरण बताना चाहती हूँ। जैसे आप प्रतिदिन अपने घरों से निकलकर शाला पहुँचने के लिए घर से चलते हैं, आपका घर और आपकी शाला वो तो निश्चित स्थान पर है, प्रतिदिन उनके बीच की दूरी नहीं बदलती, परंतु आपका प्रतिदिन शाला पहुँचने का समय जो है वह बदलता रहता है। किसी दिन आप हो सकता है 15 मिनट में पहुँच जाएं, हो सकता है किसी दिन आप 14 मिनट में पहुँच जाएं, हो सकता है आप किसी दिन कुछ सेकंड के अंतर पे पहुँचते हैं। तो ऐसा अंतर क्यों आता है जबकि दूरी तो स्थिर है शाला और घर के बीच की, परंतु आपके पहुँचने के समय में अंतर क्यों आता है? तो बच्चों, ये बात आपको ज़रूर जाननी है। आप जब घर से निकलते हैं शाला के लिए तो रास्ते में हो सकता है कोई आपके परिचित मिल गए जो आपसे बातचीत कर रहे हों, या आप देखते हैं ट्रैफिक के कारण आप नहीं पहुंच पाए, कभी आपके सामने कोई समस्या आ गई, कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो, या साइकिल से जा रहे हैं तो आपकी साइकिल खराब हो गई। विभिन्न प्रकार के कारणों से आपके शाला पहुंचने के समय में अंतर आता है। तो यही जो चीज़ें बदलती हैं इन अंतर आ सकने वाली राशियों को हम चर संख्या कहते हैं। बच्चों, आइए हम अब एक इस सारणी को देखते हैं। इस सारणी में मैंने कुछ परिस्थितियां आपके सामने रखी हैं जिसमें आपको बताना है कि इन राशियों का मान परिवर्तित होता है या स्थिर रहता है। बच्चों, हमारा पहला है सप्ताह में दिनों की संख्या। तो सप्ताह में दिनों की संख्या कभी भी बदलेगी नहीं, इसलिए इसका मान स्थिर होता है। बच्चों, माह जनवरी में दिन का तापमान, तो किस दिन का तापमान इसकी बात नहीं कही गई है, इसलिए यह जो है किसी भी दिन के तापमान के बारे में हो सकता है, तो निश्चित ही वे बदलता रहेगा। अब आप अपनी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या के बारे में सोचिए। जो बच्चे कल आए थे वे बच्चे आज भी आएंगे, यह आवश्यक नहीं है कोई किसी कारण से अनुपस्थित हो गए, या जो कल नहीं आए थे वे आज भी आ गए। तो इस प्रकार से आपकी कक्षा में प्रतिदिन आने वाले छात्रों की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है, अतः यह भी चर राशि का एक उदाहरण है। बच्चों, चौथा बिंदु है हॉकी के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो जब हम टीम बनाते हैं तो टीम में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है और इसीलिए यह अचर है, इसका मान स्थिर है। अब यह जो पांचवा बिंदु है वह है 1 किलोग्राम आलू में आलुओं की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। आपका क्या विचार है बच्चों कि आलुओं की संख्या स्थिर रहेगी या बदलेगी? हमने तो यहाँ बदल गई लिख दिया, परंतु क्या यह सही है आपके विचार में? बच्चों, जब आप आलू खरीदने जाएं तो हो सकता है आप बड़े बड़े आलू लेंगे तो उसमें आलुओं की संख्या की बात की गई है, और हो सकता है आप छोटे छोटे आलू चुने तो उसमें ज़्यादा आलू आएंगे। इसलिए भार तो 1 किलोग्राम है जो कि स्थिर है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है वह है आलुओं की संख्या में। तो इस प्रकार बच्चों, हमने कई परिस्थितियों पर बात की कि जिसमें मान स्थिर रहते हैं या बदलते हैं।
आइए बच्चों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो हमने अभी सारणी पर चर्चा की, इसमें जो बदलने वाली राशियां होती हैं उन्हें ही हम चर राशियां कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहा जाता है। बच्चों, इनका कोई भी मान हो सकता है और इन चर संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर जैसे अ व स द, क ख ग घ, या हम ए बी सी डी ले लें, पी क्यू आर ले लें, या एक्स वाई जेड। बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक्स वाई जेड जो है वो कैपिटल में भी लिखा गया है और ए बी सी और पी क्यू आर को हमने स्मॉल लेटर्स में लिया है। तो हम इसे किसी भी प्रकार के लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटे या बड़े, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं और इन्हीं अंकों को चरांक या बीज अंक भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम आते हैं आगे बिंदु पर कि जैसे मैंने आपको एक डब्बा दे दिया और उस डब्बे के अंदर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों इसमें कितने चॉकलेट रखे हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं उसके अंदर कितने चॉकलेट रखे हैं? चॉकलेट का डब्बा तो बंद है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, फिर आप उसे कैसे बता पाएंगे बच्चों? तो इसके लिए जब मैंने कक्षा में पूछा कि कितने चॉकलेट्स हैं, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। अंदाज से कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 10, तो सभी के उत्तरों में हमें भिन्नता मिलेगी। तो ऐसी जो भिन्नता है, इससे मेरा उत्तर तो सटीक नहीं आया और इसीलिए हमें इस चर अंक या बीज अंक का प्रयोग करना होता है। तो बच्चों, आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं जिसमें हमने यहाँ चर्चा की है। कुछ उदाहरणों की बात अभी की जिसमें आपने देखा कि चर और अचर राशियां किस प्रकार से हमें उपयोग में लानी है। तो अचर राशियां संख्याएं होती हैं और चर राशियां जो है हम अंग्रेजी या हिंदी की वर्णमाला के अनुसार उसका प्रयोग हम करेंगे। तो बच्चों, मेरा जो प्रश्न था वह था आपने लिया था उस डब्बे के अंदर कितने चॉकलेट्स हैं। तो मैंने आप सभी के 7, किसी ने 9, किसी ने 20, किसी ने 11 कोई भी उत्तर दिया। हमारे ये कई प्रकार के जो उत्तर प्राप्त हुए, लेकिन इसमें सही उत्तर तो नहीं आया और इसी को जानने के लिए हम इस प्रकार से चर संख्या का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने ये कह दिया कि अलग अलग उत्तर है। अब यदि मैं कहूँ कि आपने जो भी उत्तर दिया है, जिसने 7 दिया है वो भी, 9 वाला भी, 20 वाला भी, 11 वाला, आप सभी अपने इन उत्तरों में 2-2 चॉकलेट्स और जोड़ दीजिए, 2-2 चॉकलेट्स को और जोड़ दीजिए, तो क्या आपका उत्तर सही आ रहा है, एक जैसा आ रहा है? आइए देखते हैं। 7 और 2 हमें 9 मिला, 9 और 2 11, 20 और 2 22, 11 और 2 13। इस प्रकार से अभी भी आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो हमारे जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, ये उत्तर अलग अलग हैं। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हम इस चर संख्या पर जाते हैं। हम
हम अगर मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो हमें यहाँ लिखना होगा, मान लो x टॉफियां, x टॉफियां या चॉकलेट्स थे उस डब्बे में, ठीक है। अब अगर हमने x टॉफियां मान ली, तब आप यहां पर लिख सकते हैं सभी का उत्तर x आ गया, परंतु x का मान अज्ञात है। ऐसी समस्याओं को ही हमें इस चर संख्या की मदद से हल करना होता है। बच्चों आइए हम एक प्रश्न की ओर चलते हैं, जैसे आप सब जानते हैं वर्ग देखा है आपने, आयत देखा है, इन सभी आकृतियों को, जैसे वर्ग आकृति, वर्गाकार आकृति में आप पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समान होती है। तो आप इसे मान लीजिए, आपने इसे P ले लिया, तो प्रत्येक भुजा हो गई P। तो यह जो P है, यह चर संख्या है, उसके भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई है P। अब P सेंटीमीटर हमने कह दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि उस P का मान क्या है। तो अब इस भुजा P का उपयोग करते हुए क्या हम वर्ग का परिमाप लिख सकते हैं? तो वर्ग के परिमाप का सूत्र, बच्चों परिमाप का अर्थ होता है आप किसी आकृति से के किसी एक बिंदु से चलना चालू कीजिए और इस प्रकार से घूमते हुए चारों ओर से घूमकर जब आप प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक परिमाप दूरी आपने तय की और उसी के लिए इसे परिमाप कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक बार आपने P दूरी चली, दूसरी बार भी आप P दूरी चल रहे हैं, तो जोड़ते जाइए बच्चों, P धन P धन P धन P। इस प्रकार से आप चार बार आप P दूरी चले हैं, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं बच्चों कि आपने चार बार P दूरी तय की? इसका अर्थ हुआ चार गुणित P, अर्थात चार गुणे वर्ग की भुजा, चार गुणे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की जो भुजा की लंबाई, अब यदि हम कहें आप 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताइए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताइए, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताइए, तो आप अलग अलग दिए गए मापों के आधार पर वर्ग के परिमाप को पूर्ण रूप से बता सकते हैं। इसी प्रकार से आइए बच्चों हम थोड़ा संख्याओं पर और बात करते हैं। आप सभी ने दूसरे और पहले अध्याय में पढ़ा है गणित के इसी कक्षा में, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होती है? तो देखिए बच्चों, अब हमें जैसे कहा गया कि 7, तो 7 का परवर्ती आप जानते हैं, चूंकि आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं, इसलिए परवर्ती में आप लिखेंगे 7 का उत्तर होगा, 7 का परवर्ती 8 होगा, 7 का परवर्ती 8, 8 का परवर्ती 9, 9 का परवर्ती 10। इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या आपको दी है उसकी अगली संख्या, तो हम इसे कहेंगे, मान लीजिए आपको x संख्या दी गई है, तो अगली संख्या किसी संख्या में हमें कैसे प्राप्त होती है? जैसे 7 में हमने क्या किया तो हमें 8 प्राप्त हुआ, वह 7 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तब हमें 8 प्राप्त हुआ, 8 में 1 जोड़ने से हमें 9 प्राप्त हुआ, 9 में 1 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हुआ। तो इसी ही हम यदि x का परवर्ती लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना हो जाएगा, x में 1 जोड़ने पर जो प्राप्त यह संख्या है, यही x एक परवर्ती संख्या है x की। अब इस x में आप मान अलग अलग रखते जाइए,
आपको परिवर्ती संख्याएं मिलती जाएंगी। अब आप पूर्ववर्ती की बात करें तो पूर्ववर्ती संख्याओं में आपको क्या करना होगा, देखिए अगर आपको 18 दिया है तो 18 पूर्ववर्ती अर्थात बच्चों पहले पहले वाली संख्या, पूर्व यानी पहले अर्थात 18 का जो पूर्ववर्ती होगा वह होगा 17। फिर आप लिखिए 17 का पूर्ववर्ती 16, बताइए 21 का पूर्ववर्ती 20। तो आप क्या करते जा रहे हैं जिससे आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती जा रही है, आपको प्रत्येक संख्या में से एक संख्या का घटाव करना है पिछली संख्या। तो यदि आप यहाँ पर आपने y मान ली है संख्या, तो आप क्या कर रहे हैं, y में से एक घटा देंगे तो आपको y की ये पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमें चर राशियों का सहारा लेना पड़ता है और इन्हीं चर राशियों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं को हल कर लेते हैं और जो प्रश्नों की जटिलता होती है वह कम हो जाती है। बच्चों थोड़ा हम बात करते हैं सम संख्या पर और विषम संख्या पर, फिर हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे सम संख्या, आप सभी ने संख्याओं के बारे में प्रारंभिक कक्षाओं से भी पढ़ा हुआ है बच्चों। तो सम संख्या जहाँ पर आप ले रहे हैं, सम ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें दो से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत, ये सम संख्याएं। क्या इन सम संख्याओं को हम चरांक के साथ व्यक्त कर सकते हैं, क्या ये देखते हैं बीजांक, चरांक या चर संख्या के साथ क्या इसे व्यक्त किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं बच्चों। इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक अंक जो है वह 2 से विभाज्य होता है, अर्थात प्रत्येक सम संख्या में 2 का गुणा तो किया हुआ है और इसीलिए इसे आपको क्या करना होगा बच्चों, हर संख्या को आप यदि लिख लेते हैं यहाँ 2×1, 2×2, 2×3 इस प्रकार से, तो आप किसी भी सम संख्या को 2 का गुणक इस रूप में परिचय जान सकते हैं। तो इसीलिए इसे हमें क्या लिखना होगा, 2। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 अलग अलग संख्याएं बदलती जा रही है परंतु 2 सब जगह स्थिर है, 2 जो है गुणक वह सभी जगह स्थिर है और इसीलिए आप किसी भी सम संख्या को दर्शा सकते हैं 2 के गुणक के रूप में। अब बदलने वाली संख्या है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, अर्थात आप n भी ले सकते हैं, इसे आप लिखेंगे 2n, अर्थात ये सम संख्या को दर्शाने का हमारा चर रूप में अभिव्यक्त किया है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसको 2 से भाग नहीं जाता। देखिए बच्चों 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं इन्हें हम लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में आप इस प्रकार की समानता नहीं पाएंगे कि वो किसी संख्या का गुणक है, तो इसीलिए इसे हमें लिखना होगा। अगर हम इस सम संख्या में 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है, पुनः इस 4 सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर 5 प्राप्त हो रहा है, 6 में 1 जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों विषम संख्या को कि आप सम संख्याओं में 1 जोड़ने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होती है।
या आप इसमें अन्य देखिए, यदि हम यहाँ पर एक तो हमने नियम देखा कि अगर एक जोड़ दे रहे हैं अर्थात सम संख्या की परवर्ती संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं बच्चों, देखिए यदि हम इस विषम संख्या को देख लें और चार के पहले वाली संख्या ये भी सम संख्या है, छह भी सम संख्या है, आठ भी सम संख्या है बच्चों, दस भी सम है, तो इनसे पूर्व वाली संख्याएं भी क्या हो रही है, विषम संख्याएं हैं। अतः विषम संख्याओं को हम लिख सकते हैं, विषम संख्याओं को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दो एन हमारी सम संख्या थी, अगर हम दो एन में से एक को घटा रहे हैं तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमें चर संख्याओं की मदद से हम नियमों को, संख्याओं को, अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। आइए बच्चों हम कुछ एक तो प्रश्नों पर चलते हैं। अभी आपका एक प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल अभी अभी हमने वर्ग के परिमाप के बारे में पढ़ा था बच्चों, अब हमें देखना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, इसमें हमें दिया गया है किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो यदि हम लंबाई और चौड़ाई के को संकेतों में चरांकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो आपको लेना होगा क्षेत्रफल बराबर, आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए एरिया ए का संकेत ले लीजिए, लंबाई के लिए एल का संकेत ले लीजिए और चौड़ाई के लिए आप बी, एल फॉर लेंथ होता है और चौड़ाई बी फॉर ब्रेड्थ होता है। तब आप यदि इस प्रकार से आपको कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है तो आप इसे संकेतों में लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर है किसके, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के। बच्चों आपकी जो प्रश्नावली है, आपके इस प्रश्नावली में आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं कि आप अपने मन से संकेतों का चयन करें और उन संकेतों को चुनकर, चरांक संकेत चरांक चुनकर आप दिए गए कथन को चरांकों के रूप में व्यक्त करें। बच्चों आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न दिया है आपको, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया। अब आपका प्रश्न लिया है किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया, तो आपको यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं का ध्यान देना है और उन गणितीय संक्रियाओं में आपको चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक लिखना है। तो किसी संख्या में दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या को जोड़ा गया, देखिए बच्चों यह इसको हम बीजीय अर्थात चरों के साथ, बीजांकों के साथ किस प्रकार से व्यक्त करें यह हमारा प्रश्न है। तो हमें मानना होगा कि कोई एक संख्या जो भी आपकी इच्छा से आप लीजिए, मान लेते हैं आप एक संख्या m ले लें और दूसरी संख्या आप n ले रहे हैं, तो m और n। अब इसमें क्या कहा गया है, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने के लिए आपको धनात्मक अर्थात योग संक्रिया का प्रयोग करना है और यह जो आपने व्यक्त किया यही बीजीय व्यंजक कहलाता है।
बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यह बीजांक या चरों का उपयोग करके दिए गए प्रश्न या समस्या को प्रदर्शित करना होता है। बच्चों, इसी आधार पर आपको आगे समीकरणों के बारे में भी इसका उपयोग होगा। जब तक आप इस प्रकार से कथनों को बीजीय कथन में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे, तब तक आप समीकरण को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है। बच्चों, हमने अभी तक सीखा जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के काम में आते हैं, उन्हें हम अक्षर संख्या कहते हैं। बच्चों, आपने देखा कि ये अक्षर चरांक के रूप में संख्याओं को ही दर्शाते हैं, अतः वे उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो संख्याओं द्वारा किए जाते हैं। वह राशि जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, बच्चों, उसे हमने अचर राशि परिभाषित किया। फिर आपने देखा है वह राशि जिसके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं, अर्थात परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसी राशियों को हम चर राशि कहते हैं। अंकगणित में एक निश्चित मान वाली संख्या का उपयोग करते हैं, जबकि बच्चों बीजगणित में आपको ऐसे चरांकों का या बीजांकों का अक्षरों का प्रयोग करना होता है जिनका मान बदलता रहता है। आगे है, किसी संख्या का जो बीजीय भाग चर राशि कहलाता है, जैसे हमने अभी चर्चा की थी बच्चों p बराबर 4a, यहां पर आप देख रहे हैं p और a, इनका मान बदलता रहेगा और इसीलिए ये चर राशियां हैं। जबकि 4 यह एक संख्यात्मक मान है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा, अतः इसे अचर राशि कहते हैं। बच्चों, आइए हम कुछ कक्षा कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको सही या गलत कथन छांटना है और उसको सुधार कर भी बताना है। तो बच्चों, पहला है, यदि हमें कोई संख्या a दी गई है तो उसका परवर्ती a धन 1 है, क्या यह उत्तर सही है, यह कथन सही है? हाँ बच्चों, यह कथन सही है। और हमने जब कक्षा में अभी देखा भी था, परवर्ती संख्या किसी भी संख्या में एक जोड़ दें तो हमें उसकी अगली संख्या अर्थात परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। दूसरा है, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो बच्चों, कैपिटल x है यहाँ पर, और इस कैपिटल x में हमने यह भी चर्चा की थी कि आप चर संख्याओं को किसी भी अर्थात स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या हिंदी के अक्षरों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अतः इसका मान बदलता रहता है, यह भी सत्य कथन है। तीसरा है, 2n एक विषम संख्या होगी। तो बच्चों, हमने थोड़ी ही देर पहले बोर्ड पर देखा था कि 2n, हमने 2 का गुणक यदि किसी संख्या को लिया तो वह चर संख्या सम संख्या होती है। तब यहाँ इस कथन में कहा गया कि एक विषम संख्या है, अर्थात हमारा यह कथन गलत है।
अब देखिए चौथा, एम और एन दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है, तो क्या यह सही है? एम गुणित एन दो संख्याओं का गुणनफल है, बताइए क्या यह उत्तर, यह कथन सही है? जी हाँ बच्चों, हाँ बताइए क्या यह सही है? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल सही, गुणनफल। अब है चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? हाँ बताइए, क्या है, सही है? देखो यहाँ केवल उन्हीं से दर्शाया जा सकता है, ऐसा नहीं, चरांकों को हम बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या हिंदी वर्णमाला किसी का भी प्रयोग करके प्रदर्शित कर सकते हैं, अतः यह कथन गलत है। ठीक है, अभी हमने यह कक्षा कार्य किया बच्चों, आइए हम थोड़ा गृह कार्य की ओर चलते हैं कि अब आपको अपने घर पर कॉपियों में क्या हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अक्षर संख्याओं, मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए और यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। देखिए जैसे हमारे इस पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दोगुना है। अब इसको हमें प्रदर्शित करना है, जैसा कि हमने प्रश्न अपनी कक्षा में भी किया था अभी, कि जैसे किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया, गुणा किया गया, तो ऐसे जो प्रश्न हैं इसके लिए आपको चर संख्याओं को मानना होगा पहले, और हर बच्चा अलग अलग चर संख्या भी मान सकता है। आवश्यक नहीं है कि हमने x का प्रयोग किया तो आप भी x ले, हो सकता है आप z ले लें, p ले लें, n ले लें, k ले लें। तो आप क्या करेंगे, वृत्त का व्यास इसे आप d से प्रदर्शित करिए और त्रिज्या को r से यदि हमने लिया, तब आपका वह बीजीय कथन क्या बनेगा, d अर्थात वृत्त का व्यास d बराबर उसकी त्रिज्या से दोगुना, दो गुना अर्थात दो गुणे त्रिज्या को हमने लिया r। अब आप d और r की जगह किसी अन्य बीजीय अक्षर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको किसी संख्या में से सात निकाले गए तो क्या मानना है और कैसे उसको लिखना है, बस आपका कार्य यह है दिए गए कथन को, प्रश्न में दिए गए कथन को तीन से चार बार पढ़िए और फिर आप अपने मन से कोई भी एक चर मानकर उस कथन को, बीजीय कथन को व्यक्त कीजिए। बच्चों आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस चर संख्या पाठ को समझे हैं, और यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपने शिक्षकों से भी अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। अपनी कॉपियों में आप प्रश्नावली 11 के प्रत्येक प्रश्न को हल करें और इसे हल करके अपनी समस्याओं को अपने शिक्षकों से साझा भी करिए बच्चों, उनसे सलाह लीजिए। यदि आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर भी अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।